सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कभी चोरी के मामले में फंस जाते हैं तो कभी जालसाजी और कब्जा करने के मामले में घिर जाते हैं। यूं कहिए कि काले बादलों का साया हर वक्त उन पर मंडराता रहता है। हाल ही में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने थानागंज में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि आजम खां और तंजीन फातिमा ने जालसाजी करते हुए अपने विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के दो दो जन्म प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं। उसी केस के चलते 3 अक्टूबर को आजम खान, अब्दुल्ला आजम, तंजीन फातिमा को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है और तीनों के विरुद्ध कोर्ट ने समन जारी किया है। वहीं संबंध में सरकारी अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया, भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी जिसमें दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला था और इस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। स्पेशल कोर्ट ने सांसद आजम खान, राज्यसभा सदस्य तंजीन फातिमा और विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ समन जारी किया है। वहीं अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए 3 अक्टूबर की तारीख दी गई है। भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना हनी ने शिकायत की थी कि दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला था और इस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है वो चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट ने और जो है स्पेशल कोर्ट है ADJ नंबर 6, उस कोर्ट से जो हमारे सांसद हैं माननीय सांसद आजम खान साहब, माननीय राज्यसभा सदस्य तंजीन फातिमा और विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जो है वो सम्मन जारी किए हैं स्पेशल कोर्ट ने। रामपुर से शन्नू खान की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।